करनाल जिले के नीलूखेड़ी के गांव पखाना में बुधवार को कोरोना के 5 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। केस मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरह से चौकस और हरकत में आ गया। अब करनाल जिला में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 8 हो गई। करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव का इस बारे में कहना है कि पखाना गांव में 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी व्यक्ति कुछ दिन पहले नांदेड़ साहिब की यात्रा पर थे और 8 से 10 दिन पहले ही अपने गांव वापस लौटे थे। इस घटना के बाद गांव में संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है और कोरोना मरीजों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। नए केसों की सूचना मिलने के बाद उपायुक्त ने जिला के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक अपील करते हुए कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो संबंधित ग्राम पंचायतें, सरपंच या SHO उसकी सूचना ड्यूटी मजिस्ट्रेट या जिला प्रशासन को दे। इसी प्रकार नगर पालिकाएं या निगम क्षेत्र में पार्षद बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना अवश्य प्रशासन को दे ताकि उनको निगरानी में रखकर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला में 2-3 दिन पहले कोरोना का कोई नया केस नहीं था और इस अवधि में जो भी केस आए वह सभी बाहर से आए हुए व्यक्तियों के हैं, यानी ज्यादातर ट्रेवल हिस्ट्री वाले हैं। उन्हें देखते हुए अब ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। रेड जोन या NCR से आने वाले ऐसे व्यक्तियों की सूचना प्रशासन को देनी जरूरी है। उपायुक्त ने आमजन से भी आग्रह किया है कि लॉकडाउन के चलते प्रातः 8 से 2 बजे तक सामान्य आगमन किया गया है, उसके बाद 7:30 बजे तक बहुत ही जरूरी काम के लिए बाहर निकलने की अनुमति रहेगी तथा 7:30 बजे से अगले दिन प्रातः 7 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। आपको बता दें कि उपायुक्त ने लॉकडाउन 3 के तहत लोगों की कुछ छोटी छोटी शंकाओं का भी समाधान किया है। दूसरे राज्य या बाहर से हरियाणा में आने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार की ओर से edisha.gov.in पोर्टल पर आवेदन करने पर स्वतः अनुमति का प्रावधान किया गया है। आप सबको मेरा नमस्कार। करनाल जिले से संबंधित आज 6 मई के कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहली तो ये कि हमारे जिले में 5 आज कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये 5 लोग नीलोखेड़ी के पास एक पखाना गांव है उसके रहने वाले हैं और नांदेड़ साहिब के विजिट पे रिसेंटली गए थे और लगभग 8-10 दिन पहले हमारे जिले में वापस लौटे थे। इन सब लोगों को हमने ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है और गांव के करस्पॉन्डिंग एरिया को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करके सील करवाया जा रहा है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें, सरपंच, ये लोग जो भी कोई बाहर से आते हैं उनकी सूचना अपने संबंधित SHO को या ड्यूटी मजिस्ट्रेट को दें। इसी प्रकार से जो नगर पालिकाएं और नगर निगम के क्षेत्र हैं उनमें भी पार्षद हैं हमारे और बाकी जो भी प्रबुद्ध नागरिक हैं वो प्रशासन की मदद के लिए ऐसे लोगों की सूचना हमें अवश्य दें ताकि हम उनको निगरानी में रख पाएं और जरूरत पड़ी तो उनके टेस्ट करवा पाएं, क्योंकि करनाल में अभी तक कोरोना के केसेज जिले में अपने कोई नहीं है। जो भी केसेज आए हैं ज्यादातर की ट्रैवल हिस्ट्री रही है जो बाहर से आए हैं, इसलिए ये सूचना देना बहुत आवश्यक है। और मैं सभी करनाल वासियों से भी आग्रह करूंगा कि जब तक बहुत ही जरूरी ना हो तब तक जिले के बाहर की यात्रा ना करें और ना ही अपने किसी संबंधित को या रिश्तेदार को गांव के जिले के बाहर से जिले में बुलाएं। कुछ छोटी छोटी चीजें क्वेरीज थी लोगों की, जैसे अगर किसी का कोई रिश्तेदार है, रिलेटिव है जो करनाल जिले के या हरियाणा राज्य के बाहर जाना चाहता है या बाहर के राज्य से यहाँ पे हरियाणा में आना चाहता है तो उसके लिए edisha.gov.in पे वो अपने पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हरियाणा सरकार की तरफ से सेंट्रलाइज्ड ऑटो अप्रूवल ऑफ द पासेज वो अपने आप जो है अप्रूव उनको इशू जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे इंडस्ट्रीलिस्ट को भी विदित होगा, वो भी ऑटो अप्रूवल के लिए एलिजिबल हैं, वो अपनी परमिशन के लिए अप्लाई करें और उनको भी ऑटो अप्रूवल दे दी जाएगी। वो सभी उद्योग या वो सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जिनमें 10 से कम की लेबर है वो उनको पास के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है और वो अपना उद्योग या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। अंत में मैं सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि जब तक बहुत जरूरी कार्य ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें और लॉकडाउन का पालन करें।
जो जनरल मूवमेंट का समय हमने रखा है वो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक रखा है, उसके बाद सिर्फ इमरजेंसी कार्य के लिए ही बाहर निकले। करनाल में अभी एक्टिव केसेस की संख्या 8 हो गई है, परसों हमारे यहाँ 2 केस आए थे, कल 1 केस आया था और आज 5 केस आए हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर जरा सा भी आपको सूचना मिलती है कि कोई हरियाणा के बाहर के ट्रैवल करके या हरियाणा के जो रेड जोन के ज़िले हैं, NCR के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से कोई भी आ रहा है तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स को सूचना दें, SHO को सूचना दें, ताकि हम उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करा पाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.